वेलकम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल पे है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें जिसमें हमारी सेहत बेहतरीन हो, हमारी रूहानी और जिस्मानी ज़रूरियात पूरी हों। तो उसी लाइफस्टाइल को लेकर हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड है। कोई भी शख्स अगर ये चाहता है कि वो अच्छी और बेहतरीन सेहत वाली ज़िंदगी गुजारे तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। जितना उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उतनी ही लाइफ के अंदर उसकी कम्प्लीशंस जो अकॉम्प्लीमेंट्स ज़्यादा होंगी, वो लाइफ को पॉजिटिवली देखेगा तो पॉजिटिव चीज़ें उसकी ज़िंदगी में वक़ुपज़ीर होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आ जाता है वॉक। हमारा जो लाइफस्टाइल है इसमें जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा आप अस्पतालों में जाते हो तो अस्पताल भरे पड़े हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, मोटापा है, शुगर है और बहुत सी बीमारियाँ हैं जो सिर्फ इस वजह से हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है हम बहुत ज़्यादा अब अपने आप को एक्टिव इनएक्टिव हमारा लाइफस्टाइल है। इस हमारे लाइफस्टाइल को एक्टिव करने की ज़रूरत है और वॉक को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। अगर हम 30 से 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करेंगे डेली बेसिस पे तो इससे हमारी फिज़िकल जो हेल्थ है इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे असरात पड़ेंगे। तो वॉक को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए ताकि हम उन बीमारियों से बच सकें जो एक इसकी वॉक ना होने की वजह से हमें बहुत से मसाइल का सामना है। फिर आ जाता है एक्सरसाइज। हर शख्स को चाहिए कि 20 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज के लिए निकालें ताकि उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स पूरी हों और वो एक्टिव हो। जितना इसमें जो ख़ास तौर पर जो बूढ़े अफराद हैं उनको अपने मॉलेज के मशरे से इस अपनी एक्सरसाइज को प्लान करना चाहिए कि कौन कौन सी एक्सरसाइज ऐसे कर सकते हैं जो उनकी सेहत के लिए बेनिफिशियल हो। फिर आ जाता है बैलेंस डाइट। हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम बैलेंस डाइट लें। इसमें सब्ज़ियाँ हों, फाइबर वाली ग़ज़ाएँ हों और जो फैट्स हैं, चिकनाई वाली ग़ज़ाएँ हैं उनसे बचा जाए ताकि ये जो बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं शुगर के हवाले, शुगर है, ब्लड प्रेशर है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें। इसलिए बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप देखें कि आपकी जो डाइट के अंदर है जो वाइटामिन ए सप्लीमेंट सफिशेंट डाइट्स हों, आयरन सफिशेंट हों, आयोडीन सफिशेंट हों, ये तमाम डाइट्स को आप देखें कि जब आप लें तो इन तमाम चीज़ें हों ताकि किसी भी किस्म की जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है उससे बच सकें और आपकी बेहतरीन सेहत हो। फिर आ जाता है डू समथिंग यू लव डूइंग। ज़िंदगी में हर शख्स को कुछ हॉबीज़ होती हैं, कोई स्विमिंग पसंद करता है, कोई म्यूज़िक पसंद करता है, कोई आर्ट पसंद करता है, तो जो भी काम आपको अच्छा लगता है आप उसको करें, इससे आपकी बॉडी पे अच्छे असरात मरतब होंगे। ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा चीज़ों को कभी मायूस मत, अपनी मायूसी को अपने करीब मत आने दें, हमेशा पॉजिटिव रहें। जितना इंसान अपने ख्याल से बंधा हुआ है अगर वो चीज़ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेगा और ये समझेगा कि मैं आई कैन डू तो वो ही कैन डू, अगर वो कहे आई कांट डू तो उसके लिए चीज़ें नामुमकिन हो जाएंगी। इसलिए कांट डू एटीट्यूड को कैन डू एटीट्यूड में तब्दील करने की ज़रूरत है और हर शख्स को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और हमेशा ब्राइटर साइड को देखने की ज़रूरत है बजाय इसके कि डार्कर साइड को हम देखें।